हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लक्ष्मीज किचन में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सिंपल बट टेस्टी होटल टाइप दाल पालक की रेसिपी। बहुत सारे लोगों का मानना है कि घर में जो हम लोग दाल पालक बनाते हैं उसको उतना टेस्ट नहीं रहता जितना कि होटल में बनी दाल पालक को रहता है, इसलिए बहुत सारे लोग होटल से दाल पालक मंगवाते हैं या दाल फ्राई मंगवाते हैं। दाल पालक के लिए मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है, इसे 4 से 5 घंटा भिगो के रखा है मैंने। आप चाहे तो सूखी भी दाल डायरेक्टली प्रेशर कुक कर सकते हैं, बस उसको दाल को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है और गैस भी हमारा ज़्यादा कंज्यूम होता है। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी डाला है। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूँगी। हल्दी पाउडर पहले डालने से दाल का जो कलर है बढ़िया पीला कलर आता है। अब मैं इसमें 1/2 टुकड़ा दालचीनी का डालूंगी। दालचीनी का टुकड़ा डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है दाल में पहले ही। और 1 से 2 टेबलस्पून हम लोग तेल डालेंगे, तेल से पानी ऊपर नहीं आता है। अभी दाल को हमें प्रेशर कुक करना है, सिर्फ 2 व्हिसल आने तक मैं इसे पकाऊंगी क्योंकि दाल मेरी पहले से ही भिगोई हुई थी। आप देख सकते हैं दाल बढ़िया यहाँ पे पक गई है। मैंने दाल को ज़्यादा गलाया नहीं है क्योंकि दाल को ज़्यादा गलाएंगे तो एकदम वो टिपिकल दाल टाइप हो जाएगी और जो चने की दाल का टेक्सचर है वो दिखेगा नहीं। अब दाल को साइड में रख देते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे तेल लिया है, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। तेल में मैंने तेजपत्ता डाला है, स्टार एनिस और 3 से 4 लौंग डाला है, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। हींग से बहुत ही बढ़िया खुशबू एंड टेस्ट आता है दाल में। मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, अच्छे से फ्राई करते हैं। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने के बाद हम लोग बारीकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। प्याज पूरी तरह से फ्राई होने के पहले ही मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो भी डाल दिया है और दोनों को साथ में अच्छे से फ्राई कर देते हैं। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन डाल सकते हैं या ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन डाल सकते हैं। इसमें मैंने 2 लाल मिर्च लिए है, आप चाहे तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 चम्मच गरम मसाला। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस फ्लेम धीमा रखना है ताकि पाउडर के मसाले वो तेल में जल्दी से जल जाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 स्लाइसेस में कटा हुआ टोमेटो लिया है। टोमेटो आप अगर दाल फ्राई देखेंगे होटल की तो उसमें बड़े बड़े साइज़ में कटा हुआ रहता है। यहाँ पर मैंने हल्दी नहीं डाली है क्योंकि दाल पकाते हुए मैंने पहले हल्दी डाली थी। इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, टोमेटो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, हमें इसे ज़्यादा गलाना नहीं है। दाल में टोमेटो जो अच्छे रहते बड़े बड़े दिखते वो बहुत अच्छा दिखते हैं। अब इसमें धुली हुई और बारीक कटी हुई पालक की सब्जी डालेंगे। पालक को पहले धो के ही बाद में कट करना चाहिए ताकि उसमें जो आयरन जो मिनरल होता है वो बहुत ही जल्दी लॉस हो जाता है। कट करने के बाद हम लोग धोते हैं पालक की सब्जी को तो हमेशा पालक धो के ही कट करना चाहिए। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके हमें अभी इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाना है। गैस फ्लेम थोड़ा हाई करते क्योंकि पालक की सब्जी को पानी छूटेगा। 5 मिनट के बाद देख सकते हैं आप, सब्जी हमारी बढ़िया से पक गई है, तेल भी छूट गया है। हल्दी की वजह से यहाँ पर कलर अभी डल दिख रहा है, बट हम लोग जब दाल डालेंगे जो कि पीली है उसके बाद हमारी दाल को बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। अभी भी अच्छा कलर दिख रहा है, रेड जो यहाँ पे टोमेटोज है और चिलीज है उसकी वजह से भी बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है। अब इसमें हमारी प्रेशर कुक की हुई चने की दाल डालनी है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको अगर सूखी दाल चाहिए, दाल ड्राई चाहिए तो आप इसमें पानी ना डालें। अगर आपको ज़्यादा पतली दाल चाहिए तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट करें। बस इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही थोड़ा सा शिमर होने देते हैं मिक्स करके। मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद है तो डालें या तो आप स्किप कर सकते हैं। हमारा लिस्ट बट नॉट लास्ट इन्ग्रीडियंट रह गया है, यानी कि नमक। नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। मिक्स कर लेते हैं और अभी इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे स्लो गैस पे हम लोग पकाएंगे। पानी की क्वांटिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा गाढ़ी दाल पसंद है तो आप ऐसे ही रखें, वरना इसमें आप पानी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके थोड़ी सी पतली भी कर सकते हैं। अभी दाल को 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, दाल हमारी अच्छे से पक गई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया प्यारा कलर दिख रहा है और दाल हमारी एकदम परफेक्ट स्टाइल बन गई है, ज़्यादा गली नहीं है। अभी दाल को हमारे फाइनल टच देना है। गैस फ्लेम मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ। दाल हमारी अच्छे से
कुक हो गई है, शिमर हो गई है। अभी जो होटल स्टाइल टच मेन रहता है वो रहता है दाल को स्मोक की वजह से। यहाँ पे मैंने चारकोल स्मोक देने के लिए एक कोयले का टुकड़ा है उसे अच्छे से जला लिया है। उसे बाउल में रख के मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाला है और इसे हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए ढक के इसे स्मोक देंगे। होटल की दालों में जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो इसी की वजह से होता है, चारकोल स्मोक की वजह से। दूसरी तरफ मैंने तड़के के लिए तैयारी की है। तड़के के लिए मैंने तड़का बाउल में 2 से 3 चम्मच तेल डाला है, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। उसमें मैंने 10 से 12 बारीक कुटा हुआ लहसुन डाला है। लहसुन को अच्छे से कूट के तेल में डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। इसमें थोड़ा सा मैं हींग डालूंगी। हींग मैंने पहले भी डाला था बट ऊपर से हींग का जो तड़का होता है लहसुन और हींग का बहुत ही बढ़िया लगता है। 2 लाल मिर्च मैंने तोड़ के डाली है, अच्छे से फ्राई करते हैं। और थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ ऊपर से, बहुत ही बढ़िया प्यारा रेड कलर या तरी जो बोलते हैं वो दिखती है। 1 मिनट के लिए अच्छे से स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तड़का यहाँ पे रेडी हो गया है, हम लोग इसे डायरेक्टली दाल के ऊपर डालेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू है, लहसुनी और जो हींग की खुशबू है बहुत ही प्यारी लगती है। तो यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट टाइम दाल पालक रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।